जी अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3.6 सॉल्व करने लगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट चेक करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या चीजें गिवन है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू मासेस 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन द बोथ मासेस आर मूविंग वर्टिकली। हमें ये चीज बताई गई है कि यहाँ पर दो मासेस हैं और दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, और दोनों का मास हमें दे दिया गया है, लेकिन दोनों के बारे में हम लोगों ने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका डाटा हम लोग देखते हैं कि डाटा में हमें क्या क्या चीज दी हुई है। तो सबसे पहले मास जो है ना, दो मासेस दिए हुए हैं, तो पहले वाले मास को मैं मान कह देता हूँ 52 किलोग्राम है, और दूसरे वाले मास जो है वो 48 केजी यानी किलोग्राम है। और हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये हम लोगों ने जुबानी याद रखनी है वैल्यू। और जो चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो एक्सेलरेशन है और टेंशन है, ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये दोनों चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। लिहाजा यहां से मेरे पास जो टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो मैं बारी बारी लगा देता हूँ। यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा फार्मूला होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा डाटा है, सेकंड वाला फार्मूला है। तो फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला ए इज इक्वल टू, तो फार्मूला जो है ना वो हमें पता है कि एम वन माइनस एम टू और नीचे इसका एम वन प्लस एम टू और मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको जीरो। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन है स्टेप। कैलकुलेशन क्या होता है, जो चीजें गिवन है उसको आप इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, तो उसको हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे बोलते हैं। तो यहां से मैंने देखा है यहाँ पे कि ए जो है ना वो क्या बनता है, मेरे पास एम वन जो था ना वो मेरे पास 52 है, यानी 52 माइनस 48 ये एम टू है, और नीचे 52 प्लस 48 यानी कि एम वन और एम टू दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, और मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, ये 10 के साथ। इस सारे को अगर मैं ऊपर वाले को हल करता हूँ, तो ऊपर वाले को हल करने का मतलब ये है कि ऊपर जो है ना मेरे पास वो 52 माइनस 48 वो 4 होता है, नीचे 52 प्लस 48 ये जो होता है ये 100 होता है मेरे पास। अब मैं इन दोनों को जो डिवाइड करके वो क्या बनेगा मेरे पास, ए इज इक्वल टू 4/100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 100 से कट जाएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं जुबानी, तो ये 0.4 और एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ए। अब हम लोगों ने टेंशन फाइंड आउट करनी है, एक चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, दूसरी चीज हमारे पास टेंशन है। टेंशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेंशन का भी इसी तरह इसी टॉपिक में फार्मूला है जिसमें दो पुलिस वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करती हैं। इसकी थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ऐसे एक पुली है और पुली के ऊपर से एक मास इधर पर लटकाया हुआ है और एक और मास यहाँ पे है, एक का नाम हम लोगों ने M1 रखा हुआ है और दूसरे का नाम हम लोगों ने M2 रखा हुआ है। तो इसके अंदर ये मूव करता है नीचे को, टेंशन ऊपर की जानब होती है, और जो एक्सेलरेशन है ये वाला ड्यू टू ग्रेविटी ए जो है ना ये नीचे को मूव करेगा, और ये वाला इसका ये जो ए है वो ऊपर को मूव करेगा, एक्सेलरेशन इसके अंदर होगा। तो ये वाला केस है, इस केस के अंदर हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है वो अब टेंशन रह गया हमारे पास। तो टेंशन का जो फार्मूला है वो टी इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय जी, यानी 2 इंटू m1 m2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी है। इसमें जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो ये नेक्स्ट टाइम हमारा कैलकुलेशन में तो क्या बनेगा, ये फार्मूला दूसरे वाला हमने लगाया नाव के बाद, और कैलकुलेशन जो है ना इसकी क्या बनेगी, कैलकुलेशन में पूरा लिख देते हैं कैलकुलेशन। तो टी जो है ना वो क्या होता है, 2 तो 2 ही है, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, M1 जो है ना वो मेरे पास कितना दिया हुआ है 52 है, और फिर M2 कितना दिया हुआ है 48 है, और नीचे भी इसी तरह से 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जो ये सारा सॉल्व करते हैं हम लोग कैलकुलेटर के अंदर, तो ये नहीं मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ, फिर मैंने मल्टीप्लाई करना है 48 के साथ, फिर मैंने नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देना 10 के साथ और डिवाइड करना 100 से, तो ये मेरे पास जो आंसर बचता है ये 499.2 समथिंग ये बचता है, और ये टेंशन है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा।
अब 499 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 500 सपोज कर सकते हैं, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो ये 500 तकरीबन टेंशन जो है ना ये 500 न्यूटन बन जाए। तो यहां पे हम लोगों ने ये अपना जो है फार्मूला लगाकर टेंशन भी फाइंड कर ली और हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया। तो सबसे पहले अब इसका हम रिव्यू एक दफा फिर ले लेते हैं। रिव्यू क्या है कि हमें सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो क्या है, हमें दो मासेस दिए हुए हैं, M1 दिया और एक M2 दिया हुआ है। दोनों मासेस जो है ना इसके मुताबिक क्या होगा, G1 जो G है दोनों मासेस में दो मासेस दिए हुए हैं और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने खुद से याद रखनी है, A और टेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले A निकालने के लिए फार्मूला लिखा, A निकालने के लिए फार्मूला क्या है, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 G। ये हम लोगों ने पूरी में जो टेंशन फाइंड आउट की थी इसका फार्मूला और टॉपिक के अंदर ये सारा सॉल्व आउट किया हुआ है। और नीचे कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू जो दी हुई उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 52 और 48 और फिर 52 प्लस 48 इनटू 10 जो है। इसको हल करने के बाद जो मेरे पास बचता है वो ये वाली चीज बचती है। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, ये 4 और नीचे 100 है और 10 के साथ इसको काटा है और ये बन गया मेरे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक आंसर आ गया मेरे पास। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसी को दूसरा जो चीज फाइंड आउट करनी थी हम लोगों ने वो टी था। तो टी का फार्मूला मैंने लगाया यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। वो क्या है, ये 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, M1 जो है वो 52 है और M2 जो है ना वो 48 है, नीचे M1 फिर 52 फिर M2 जो है ना 48 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम हल करेंगे नेक्स्ट मेरे पास कैलकुलेटर की मदद से, तो वो आंसर बचता है 499.2। जब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये ऑलमोस्ट 500 ही है, लिहाजा यहां से जो मेरा आंसर बन गया दोनों जिलों का वो हमने फाइंड किया।